बैलेंस मेरी बात सुनिए, नाम बता दीजिए। राहुल प्रधान, राहुल प्रधान, राहुल प्रधान जी आप हैं? अच्छा, प्रधान प्रति हैं जी। चार चरण में पैसा नहीं आता और उसके बाद चार महीने का पैसा नहीं आया। 30 रुपए क्या कर दे, 30 रुपए पान मसाला खा जाते हो आप लोग, खा लेते नहीं खाते हो, चाय नाश्ता कर लेते हो आप लोग, इसका जानवर कहाँ पेट भरेगा? भर जाएगा। एक दिन का कितना बताया आपने? 30 रुपया। हाँ, 24 घंटे आप लोग तक नहीं पहुँचता है, गौशाला पहुँचता नहीं, गौशाला पहुँचता है 4 महीने बाद, 3 महीने बाद। हेलो जी सर, नमस्कार जी। सर बोले, आप क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रही हूँ? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ सर, यहाँ पर गौशाला के पास हूँ मैं, आपके गौशाला पर। मेरा काम रिपोर्टिंग करना है, वही मैं करने आई हूँ सर। अरे मैडम, तो शराब पत्ती बढ़िया से बनो। क्या बोल रहे हैं सर? शराब पत्ती है सर, साढ़े बारह बजे का घोसा है। आपका नाम, आपका नाम क्या है सर? आ जाए, आप आ जाए, इतना आप फोन पे क्यों, आप फोन पे क्यों चहक रहे हैं? आप आ जाए, सामने से बात कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? आ जाए, आप आ जाए, ठीक है जी। प्रधान जी हैं ये? कौन झूठ बोल दिया है? वो कल वीडियो आ रहे हैं, वो जो अधिकारी आ रहे हैं, तुम्हारे रिपोर्ट कर, तुम्हारे रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर झूठ बोलने सौहरा मर गए। वहाँ पानी नहीं है, वहाँ चारा नहीं है, और जबकि सब कुछ लग रहा है, उधर भूसा भरा है और इधर पैरा लगा है। अब एक काले गिरा 5 रुपया पूरा गिरा है, 5 रुपया पूरा है, और उधर भूसा लगा है भाई, 1100 रुपये में किलो। गायों को खिलाने पिलाने का काम सब आप लोग देखते हैं? हम ही देखते हैं। तो हम पर देखते हैं, इसीलिए कह रहे हैं यहाँ कोई कमी कोई नहीं। मकई आवारा है, मकई हर वहाँ खाई नहीं, सब है, एक डाला आवारा है। अच्छा। परसों गिरा है, नहीं। नमस्कार, मैं हूँ सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। आप ये देख सकते हैं, अस्थाई पशु आश्रय केंद्र है, ग्राम पंचायत जलियामऊ विकास खंड काकोरी लखनऊ की ये घटना है। यहीं पर ही एक अभी कल परसों में एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर बताया गया था कि 100 गायें लमसम यहां पर मर गई हैं। सही बोल रहे हो? नहीं, मरा नहीं है, मरा नहीं, झूठ बोला गया है, झूठ बोला गया है। आप वहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप कैमरा दिखा दें, वहाँ पर एक गाय अभी भी मरी पड़ी हुई है। आप देखिए जाके, हमें नहीं देखिए जाके, आप चारा पानी क्या रहना है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये गौशाला है, आगे आ जाइए, अंदर आ जाइए आप, जरा किधर से रास्ता है, आप मुझे अंदर तो जाने दें। तो यहाँ पर ये गेट बना के रखा है, आप क्यों परेशान है? आप आने दें, हम उनसे बात कर लेंगे, आप मुझे रोकिए मत, ठीक है? आप ये देखिए, यहाँ पर ये गौशाला है, आप गायों की स्थिति देखिए कि किस तरह से ये गायों की क्या दुर्दशा है। जो लोग ये बोलते हैं कि गायें, जो गौशाला होता है वहाँ पर सरकार फंड देती है और उसकी गायों की देखरेख करने के लिए सरकार जो है पूरी पूरी व्यवस्था करती है, और यहाँ पर गाय देख लीजिए बिल्कुल मरी हालात में है। मुझे नहीं पता कि जो जो 100 गायों का जो वीडियो वायरल हुआ है वो सही है गलत है, लेकिन मैं इसी गौशाला में मौजूद हूँ इस वक्त, और यहाँ पर गायों की स्थिति आप देखिए, दूर दूर तक बहुत सारी गायें बीमार अभी भी पड़ी हुई हैं। आइए मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि आप ये दिखा दीजिए कि यहाँ पर आप देख लें कि बहुत सारी गायें हैं, कुछ गायें तो मतलब बहुत कमजोर स्थिति में है, उनकी ऐसा लगता है उनको खान पान नहीं मिलता है, उनकी सही से देख रेख नहीं होती है। कि यहाँ पर कम से कम 5-6 कर्मचारी हैं जिन्होंने मुझे गेट पर रोकने की कोशिश की कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, अपने प्रधान को कॉल किया, उन्होंने मुझे अंदर आने से मना किया, हालांकि वो अभी आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर जो वीडियो वायरल हुआ उसका बात आप हटा दीजिए, आप मौजूदा स्थिति आप देखिए कि यहाँ पर अभी भी इस गाय की क्या स्थिति है, ये मर गई है या फिर ये किस तरह से इसको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं तो यही कहूँगी, देखिए आप ब्लीडिंग हो रही है, किस तरह से यहाँ पर गाय मर ही चुकी है शायद। हाँ भैया, अरे बाप रे, अभी सांसें चल रही हैं, आप नज़दीक से दिखाइए, सांसें चल रही हैं भैया, कौन जवाब दे ये इसका, ये स्थिति है इसकी, क्या मतलब कोई इंसानियत नहीं है जानवरों से? आप योगी आदित्यनाथ को आप जानते हैं? वो तो है ही है। कौन है योगी आदित्यनाथ? मतलब अब एक आधे तो जानवर गिरते हैं ही हैं। योगी आदित्यनाथ को जानते हैं? हाँ। कौन है? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री है? हाँ। योगी आदित्यनाथ? हाँ। अच्छा,
तो ये चारा पानी कोई कमी नहीं है। आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है कि गायों की सुरक्षा के लिए और गायों को ऐसे मतलब जो रोड पर घूम रहे हैं उनको गौशाला में पहुंचाया जाए, उनकी अच्छे से देख रेख हो, उनकी व्यवस्था हो, उसके लिए सरकार बाकायदा फंड देती है गौशालाओं को। तो प्रधानमंत्री को ये भी सोचा चाहिए कि मतलब 30 रुपया जानवर तुम देते हो तो कम से कम उसके 1200 रुपये में भूसा आ रहा 2 किलो में किसका पेट भर जाएगा। अच्छा, तो फंड वगैरह नहीं आता भैया? चार पाँच महीने के बाद जो पैसा आई 30 रुपये में जानवर को जिंदा रही 15 रुपये भूसा मिल रहा 2 किलो भैया भूसा। अबे आपके घर लड़का बच्चा हो यहाँ 30 रुपये खा जाते पेट भर जाएगा। अच्छा, ये जानवर एक गाय के लिए 30 रुपये आता है? 30 रुपये आता एक दिन का या एक महीने? एक दिन का 12 रुपये मारा 2 किलो भूसा हुआ तो 2 किलो में जीएगी कि मरेगी या बताओ। अच्छा, और उसी में आप लोगों का जो इनकी तनख्वाह अलग से? तनख्वाह अलग से? हाँ, कितनी तनख्वाह मिलती है भैया? तनख्वाह 7000 मिलती है। 7000? 7000 महीने का मिलता है क्या? आप इन गायों की देख रेख करते हैं? ठीक है, यहाँ पर कभी चिकित्सक आते हैं गाँव को देखने के लिए? आओ, सब लोग आओ, डॉक्टर भी करते हैं। अभी आपने क्यों नहीं बुलाया? यहाँ पर गाय मर रही है। डॉक्टर सुबह आए रहे, अब सुबह जब आए रहे तब ये नहीं गिरी रहे। आप लोगों ने बात करवाया वो कौन है? प्रधान जी को बताया कि गाय की ये हालत है? तो प्रधान जी आ रहे हैं ना, अभी प्रधान जी बात करी है। हाँ। क्या बोल रहे हैं भैया? हम लोग उठा लिया, तैयार हैं, क्या करें? हाँ। मजबूर है, तो मरने वाली है। आप देखिए कैसी, मतलब जरा भी इसमें इधर खींच लाए, आप हटिया चलाए बस। अरे भैया ये बाकायदा मतलब सांस चल रही है, क्या हुआ इसको? गिर गया भैया, आंखों में क्या हुआ इनके आंखों में? नाला अगर गिर गया तो हम क्या करेंगे, हम बताइए सर, हम आज रहे। तो इलाज तो भैया कोई इंसान और जानवर में फर्क समझते हैं भैया? में जानवर तो जानवर पेट नहीं भर। आप इंसान हैं, उनको कोई ले जाने वाला हॉस्पिटल नहीं है, उनकी जिम्मेदारी आप लोगों की है, इसीलिए आपको रखा गया है यहाँ पर। जिम्मेदारी उठाओ बैठाओ तो बेचारे 2 किलो भूसा में छक दी। अब ये 30 रुपये में जानवर डटी ना, 2 किलो भूसा में कहाँ छकी तुम बताओ? वो बात अलग है, लेकिन आपको डॉक्टर वगैरह बुलाना चाहिए, दिखाना चाहिए सर। ये सुबह टाइम एक जानवर थे, अभी शाम टाइम गिरी है। अभी शाम टाइम जो है अभी गिरी है। लगता नहीं है भैया कि ये शाम को गिरी हुई है, बिल्कुल उसकी सांसें चल रही हैं, हालात इतनी बिगड़ी हुई है, क्या इंसानियत नहीं है? डॉक्टर जो है, डॉक्टर हर वक्त आवत है, रोज आवत है, मतलब ये नहीं कि नहीं आते नहीं है कोई। कुछ दवा पानी इसका करवाया कि नहीं करवाया? दवाई भी कराई, इंजेक्शन भी लगाए ना सुबह जब, या नहीं उठ पावत रही। अरे बाप रे, मैं तो देख के एकदम अस्तब्ध रह गई हूँ कि देखिए मतलब क्या बोला जाए, ऐसे जानवर ऐसे पड़े हैं, ऐसी मरने की स्थिति में इनको छोड़ दिया गया है, और आप देख रहे हैं ऐसे ही कई सारी गायें हैं जो दूसरी तरफ है, दूसरे एरिया में है, जो चल रही हैं। ठीक है, आप क्या हुआ भाई, आप कितना इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या भैया? क्यों चिल्ला रहे हैं? कदा काम करनी है बताओ, गलत है? कौन काम किया है? गलत भूसा लगा है? कौन काम कर? कितना भूसा लगा है? आप कौन है? आप कौन है भैया? हम नौ मुंशी है यहाँ के। अच्छा, हाँ, क्या नाम है? श्यामू जी, ये गाय मर रही है तो आपकी जिम्मेदारी? ये सुनो मैडम, यहाँ पर चहला गड्ढा गुड्ढा करे हैं, ठीक, और गिर गए, कमजोर हरा हो गवा गिर गया। हाँ। तो हम मैं उठाना कोशिश करते हैं। हाँ। अबे भूसा रखे थे, खाए थे या खाई थी भाई उठा रहा, लेकिन फिर भी गिर गई है। अब बताओ 2 किलो भूसा में हम क्या कर लेंगे? हम मोदी मोदी कमी है, योगी की मोदी कमी है, क्यों बताओ? प्रधान मरेगा या शिरडी मरेगा? फंड नहीं आता है, फंड नहीं आता, कुछ नहीं आता है यहाँ। 16000 बीघा बना कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फंड दे रहे हैं, खूब अच्छी सी व्यवस्था करने के लिए, गायों की सबसे ज्यादा देख रेख योगी भैया। 16 बीघा जमीन में यहाँ गौशाला खुला है, सबसे जरिया में नंबर 1 है गौशाला। ठीक, ये गौशाला नंबर 1 है, नंबर 1 ये नंबर 1 गौशाला की ये हालात है? ये हालात के जब पैसा जब सरकार नहीं देगी तो क्या करेंगे? कोई 8 लाख रुपया प्रधान का फंसा इसमें, क्या करेंगे? पास क्या कोई पैसा नहीं पास हुआ, कोनो दीबे नहीं के पैसा, कोनो कहाँ तक लाएगा, कोनो सरकार पैसा पास नहीं करेगी भाई। अरे भैया, तो आप लोग हमारे हमें आने से मना कर रहे हैं, गेट बंद कर रहे हैं, तो वो चीज वो क्यों कर रहे हैं? तुम फैले हो जो हुआ मैडम, यहाँ की बातें तो सरकार तक पहुँचना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं कि फंड नहीं मिल रहा है?
हमारी बात ये, हम ये कह रहे हैं जब हरा गिर जाता हम रात रात भर देखते हैं, ठीक टॉर्च लगा के देखते हैं, और गिर जाता है उसको उठाने की कोशिश करते हैं। एक हरा उठानवे एक भूसा भी पड़ा हुई जगह पर, ये भूसा खाली जानवर को है तुम बताओ, एक खाली है 30 रुपया में जानवर छक जे को सब मर जाए भूखन। तो ये चीज आप बोलते हैं? अरे रोज बोले तो सर क्यों रहे भाई बोलने से, अगर फंड नहीं आता सरकार नहीं सुविधा दे रही है तो बोल रहे क्यों है भाई, क्या क्या दिक्कत है सर? क्या नाम है आपका? आप बात करिए, आप मोबाइल मत छीने, आप क्या बात करना चाहते हैं? क्या कर लेगा प्रधान, क्या कर लेगा प्रधान? के ऊपर बजट नहीं आएगा तो क्या कर लेगा? बजट नहीं आएगा तो क्या कर लेगा प्रधान? क्या है सर आप मुझसे बात करें ना, आप मैं बात करना चाहती हूँ आपसे, मैं आप ऐसा क्यों समझते हैं कि मैं निगेटिव ही दिखा रही हूँ, जो हकीकत है वही दिखेगा। अभी छापा है आप लोगों ने, मैं अभी अभी कर रही हूँ ना बात, भैया छपेगा नहीं, अपने बच्चे अपने बच्चे अपनी जमीन 8 लाख रुपए। क्या नाम है आपका? आप पहले मेरी बात सुनिए, नाम बता दीजिए। राहुल प्रधान प्रधान जी आप हैं? अच्छा प्रधान प्रति हैं जी। चार साल में पैसा नहीं आता और उसके बाद 4 महीने का पैसा नहीं आया, 30 रुपए क्या कर दे, 30 रुपए 5 मसाला खा जाते हो आप लोग, खा लेते नहीं खाते हो, चाय नाश्ता कर लेते हो आप लोग, इसका जानवर कहाँ पेट भरेगा? भर जाएगा। एक दिन का कितना बताया आपने? 30 रुपया। हाँ 24 घंटे आप लोग तक नहीं पहुँचता है, गौशाला पहुँचता नहीं, गौशाला पहुँचता 4 महीने बाद 3 महीने बाद, तो आप लोग झगड़ा करने आते हो, कभी ये खबर छापो। आप ये कैसे समझ गए कि हम झगड़ा करने आए हैं? तो बात नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। आप कभी कभी ये खबर छापिए कि आप बताइए, एक नाश्ता होता है 30 रुपए नाश्ता हो जाता है, ये जानवर पेट भरेगा? बात तो आपकी सही है, लेकिन आप जब गेट बंद करवा देंगे, हम लोग को यहाँ की खबर बाहर जाने नहीं देंगे, योगी जी इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बोल रहे हैं गौशालाओं के लिए बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्था है, बड़े बड़े गौशाला कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, ये 30 रुपए पेट भरेगा आप बताइए? और 24 घंटे के लिए 30 रुपए का भरेगा पेट? बताइए हमका साफ जवाब दीजिए। 8 लाख रुपए इनका घर का लगा है, 8 लाख रुपए आपने अपने घर से लगा? घर से लगा दिया हूँ। ये कहा जयपुर में तो दिन में कहा बहुत टाइम के पास कहाँ लगा दिया है? लगा दिया हूँ तो क्या करें, हम मजबूर हैं, कोई पत्रकार को जल जाता हूँ मैं के लिए भैया के लिए, इसलिए कि खबर अच्छी छापे तो हम भी मोबाइल देखे या पेपर में देखे। जी कहना है जब आप बोलेंगे, बोले सरकार तो बोल देती है टीवी पर बैठकर, न्यूज में आकर बोल देती है सरकार के हमने बहुत गौशालाओं को बहुत सारा फंड दिया, फंड जाता है हमारे इधर से और वहाँ पर बहुत सारी अच्छी देखरेख होती है, और जब हम यहाँ आते हैं तो आप जब नहीं बोलेंगे नहीं दिखाएंगे तो हम कैसे वहाँ तक पहुँचाएंगे आपकी? मैडम अभी कल हमारा लाइव चल रहा था हमारे गांव का चल रहा था, लेकिन जो भी आया था देखिए आप, अगर 2 आदमी जहाँ खड़े होते हैं तो कीचड़ हो जाता है, ये गौशाला में मामला है कर दी वो भी कर रहे हैं, और वित्तीय योजना किससे करें हम है ना, तो बात ये होती है कुल मिला के अगर हम इधर इसका करें, अगर वही हम देख रहे थे वही कोई है तो आज मैडम कुछ और होता। हमने आपकी बात नहीं की, सरकार वादे करती है फंड देने का, सरकार की ये जिम्मेदारी है, सरकार का ये काम है, मैं सरकार के काम को यहाँ दिखाने आई, मैं गौशाला की स्थिति दिखाने आई, मैं आपसे लड़ने नहीं आई हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं आप पर हावी हो जाऊँ, लेकिन हाँ एक मैं आपसे विनती जरूर करूंगी या आप जो भी कह लें कि अगर गाय मर रही है तो उसकी सूचना आपको देना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मैडम डॉक्टर भी आता है, मैडम भी डॉक्टर भी आता है, डॉक्टर भी आता है, लेकिन डॉक्टर क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? एक किलो भोजन शाम को देंगे, 1 किलो भोजन शाम को सुबह देंगे, तो जो पेमेंट यहाँ पर लगता है डॉक्टर की जो जो सुविधाएं होती है वो आप रिपोर्ट करते हैं? आपको उसका फंड नहीं मिलता? फंड मिलता है 30 रुपया पर जानवर मिलता 24 घंटे का। ये तो खाने का हो गया, और इसका इलाज वगैरह का अगर बीमार हो गई गाय, कुछ परेशानी हो गई तो उसका क्या? डॉक्टर तो वो तो डॉक्टर आता है ना? डॉक्टर आता तो क्यों नहीं बुलाते आप इस तरह मरने के लिए? आपने क्या करे, इसका क्या कर सकते हैं? अब आप बताइए, तुम 2 किलो भोजन खाती हो, दो घंटे 24 घंटे में 2 किलो भोजन खाती हो, आप बताइए जब इसको 2 किलो मिलता है, ये पशु है हम तुम जान इंसान है, जब हम तुम 2 किलो खा जाते हैं और पशु क्या होगा?
आप तुम सुनो खुद इनका भाई साहब का ये कहना है, ये यहाँ के प्रधान है कि अगर इनको 30 रुपए की खुराकी के हिसाब से इनका पेट भरा जाएगा तो ये कमजोर हो जाएंगी, बेबस हो जाएंगी और ये गिर जाएंगी। फिर इनका चाहे इलाज किया जाए या कुछ भी किया जाए, उनकी हालत जो है वो बिगड़ती जाएगी, सुधरेगी नहीं। लोग गौशाला में जाकर खबरें तो निकाल देते हैं कि गौशाला की जो देख रेख करने वाले हैं वो सही से नहीं कर रहे, लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि गौशाला में गायें कैसी हैं। गौशाला की देख रेख की जिम्मेदारी पूरी और जो भी खान पान की जो जिम्मेदारी वो सरकार लेती है, सरकार दावा करती है और सरकार ने ही छोड़ा है। गौशालाओं का जो निर्माण है वो सरकार ने किया है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। और ये लोग चीख चीख कर ये यहाँ पर बोल रहे हैं, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि गाँव की हालात इतनी बिगड़ी हुई है, सारी गाय यहाँ पर कमजोर है और दूर दूर तक और भी गाय यहाँ पर पड़ी हुई है। तो इन लोग का यही कहना है कि जब सही से अगर खान पान नहीं मिलेगा गायों को तो वो कमजोर हो जाएंगी। सही बोल रहे हैं। अरे बहन ये बता दो, जो 12.5 किलो का एक भूसा है मिलता है 30 रुपया, तो हम कितना भूसा तैयार देंगे आप बताइए हमको? 12.5 रुपये किलो भूसा है, 1 किलो इस टाइम देंगे, 1 किलो उस टाइम देंगे। अच्छा, तो 1 किलो में जानवर जीवित रहेगा आप बताइए? या योगी जी से सरकार पहुंचाइए आप लोग, भूसा खाते हैं 2 किलो, 2 किलो भूसा जीवित रहेंगे, 2 किलो भूसा इंसान 30 रुपये अगर दे जाए 30 रुपये पेट भर ले होगा। तुम लोग अगर चाय नाश्ता करिए हो जाए 30 रुपये पेट भर जी है, इनका 30 रुपये हम दे रहे हैं जानवर के यहाँ, और 30 रुपये में का खा लिया है बताओ? पहले इनका पेट भर जाए 30 रुपये में यहाँ है, हम तो इंसान है ना, जानवर है, इनका पेट भरा है, उसमें पानी भी देना पड़ता है हमको। उसमें बहन पानी भी देना पड़ता है और 12.5 रुपए किलो भूसा है तो कितना हम देंगे आप बताओ? अपनी जमीन बेच कर हम दे नहीं सकते हैं, अपने बच्चे छोड़ दे सकते हैं? आप क्यों जमीन बेचेंगे? आप अपनी सभी लगा चुके हैं, 8 लाख रुपया लगा चुके प्रधान जी, पूरा पैदा कर टाइम से पैसा नहीं मिला थे तो भाई अपने पास से देते हैं लेबर को और भूसा भी मंगाते अपने पास से। अबे कल डाला गिरा है पास से पैरा क्या ठीक पैरा अभी कटा नहीं है धान कह रहा, अबे 5 रुपए पूरा गिरा है। हाँ 5 रुपए पूरा धान लगा हुआ पर वो तो हम करवा रहे हैं 2-4 बीघा है पंचे बताओ हम पंचे डरवा रहे हैं। बहन आप बताइए, आप बताओ क्या करें आप? बहन आप बताइए, हम गलत हैं क्या? सरकार गलत है कि आप गलत हो? कैसा वेंडर है आप, क्या समझते हैं इस बात को लेकर? हाँ समझते ही है, या तो इसको बंद किया जाए या तो पैसा बढ़ाया जाए और समय से पैसा आना चाहिए। समय से पैसा भी नहीं आता, नहीं 4-4 महीने हो जाता, 4-4 महीने तो 4 महीने तक गायों की देख रेख कैसे होगी? सवाल तो उठता है आप प्रधान, आपको अच्छे दिखे जो सच है, लाइव है, सच दिखा रही हो। तो कल वाले होते ना तो बहुत तेज जाए थे। जो बात है सच, हमारा कहना था सच दिखाओ, सच दिखाओ। नहीं तो हम तो सच ही दिखाएंगे, जो आप लोग बोलेंगे वही दिखाएंगे। देखो आप लोग, देखो आप लोग और बिल्कुल सच दिखाओ। 30 रुपया मिलता है, 30 रुपये क्या करेंगे मैडम? ये भी अपनी आवाज बोलो ना, अपनी आवाज बोलो। ये देखिए, ये देखिए अकड़ रही है कैसे, दिखाइए इसको। उठाएंगे अब बताएं, उठाओ अभी तुम्हारे सामने देख लीजिए, बताएं अब। कमजोरी इतनी ज्यादा है, कमजोर है सब गायें यहाँ की, और दूर दूर तक आप कैमरे दिखा दीजिए, कैमरा से दूर दूर तक गायें ऐसे पड़ी हुई हैं बेतहाशा, उनको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। अब अगर करने वाला है मैडम, देख रेख करने वाला है मैडम, साफ बोलिए आप, देख रेख करने वाला। देखिए 30 रुपये मैडम क्या होगा, जैसे बोलिए आप, ये नहीं बोलती हो क्या करें मैडम? 30 रुपए में क्या होगा आप ही बताओ, खबर छापो मैडम कभी कि 30 रुपए में क्या होगा? 30 रुपए बोली चारा दे रहे योगी, 30 रुपए हम जाऊँ जीत भाई समर्थी है लड़का, अब तुम्हारे घर में मैडम जी हुए करो तो 10-20 रुपए खा जी है, ये जानवर सबसे बड़े 6-6 किलो भूसा खा लेते समझी जी है। 1 किलो शाम के गायों की पूजा करने से पहले, गायों को गौ माता बोलने से पहले तो गायों की जो है खान पान में सुधार करना चाहिए। पहले माता भूखी है और आप माता जी की पूजा कर रहे हैं तो ये कहाँ से जायज है? मुझे नहीं लगता कि सही है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को देख लेना चाहिए, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो यहाँ के प्रबंधक हैं, जो प्रधान है, किस तरह से चीख चीख कर गुहार लगा रहे हैं कि गायों को समुचित जो है व्यवस्था दी जाए और यहाँ पर खान पान की व्यवस्था दी जाए सही से और समय पर फंड
कमेंट दिया जाए। योगी आदित्यनाथ जी गांव से कितना प्रेम करते हैं, कहते हैं सुबह 3 बजे उठकर वो पहले गायों को चारा खिलाते हैं, तो एक एक गौशाला में जाकर चारा खिला देने से क्या हो जाता है। पर वो देखिए एक गाय और पड़ी हुई है, यह मैं करीब से दिखा देती हूँ कि पता है किस तरह से यहाँ पर गायों की ये हालात है भैया, देखी नहीं जा रही है। और यहाँ पर लोग कैसे बोल रहे हैं कि गायों को सही से चारा पानी नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब फंड नहीं मिलता है, पैसे नहीं मिलते हैं, तो कहाँ से ये लोग देख रेख करेंगे। अब इतने बड़े एरिए में इतने जो है बना दिया गया है गौशाला सिर्फ देखने के लिए, और अच्छी खासी यहाँ पर गायें हैं, ठीक है जी। हाँ हाँ भैया आ रहे हैं, आप परेशान मत होइए। आप देखिए यहाँ पर ये देखिए गाय मरी पड़ी हुई है एक, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये गाय है मरी पड़ी हुई है किस तरह से, देखिए। और दूर दूर कई सारी गाय हैं ऐसी जो मरी पड़ी हुई हैं, कोई को ऐसी हैं जो मरने की कगार पर हैं। अब मैं क्या बोलूँ, अगर कहाँ पर जिंदा है बताइए, वो कहाँ पर जिंदा है, जिंदा ये जिंदा इसको कहते हैं भैया। सांसें तो चल रही हैं, सांसें सिर्फ चल रही हैं, जिंदा नहीं है वो, सांसें सिर्फ चल रही हैं, ठीक है। सांसें सिर्फ चल रही हैं, ठीक है, और ये जिंदा नहीं है। आप परेशान मत होइए, हमको दिखाने दीजिए, ठीक है। ये देखिए ये गाय देख लीजिए किस तरह से है, इनकी हालत देख लीजिए कि सांसें चल रही, और ऐसे दूर दूर जगहों पर देखिए कितनी सारी गाय है। आप दिखा दीजिए कितनी सारी गाय है जिनकी सांसें चल रही हैं सिर्फ, लेकिन मरने के कगार पर है, दूर दूर पड़ी हुई हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? जनता देख रही है ना, जनता से वादा किया जाता है ना कि हमने गांवों की समुचित व्यवस्था की है। योगी सरकार बड़े बड़े वादे दावे करती है, बोल दीजिए ना, हमको नहीं। अब नहीं बोलना, लेकिन जो यहाँ की स्थिति है वो मैंने जरूर आपको दिखाने की कोशिश की है। फिलहाल आप देखते रहें मेरी पड़ताल।